हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। यस, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नाइन्थ क्लास में जनरली इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं जाता है, बट मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है। थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे हम इसके ऊपर। और ये जो टॉपिक है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स पार्ट का ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे और कॉपी पेन निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। बट बिफोर वी बिगिन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बच्चों, हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, आइए समझते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड? देखो, ये इसको ऊपर का जो हेडिंग है ये पढ़ करके हो सकता है आपको टफ लगे, बट एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपको डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए और आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है तो आपके लिए बहुत ईजी है ये। देखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का डेरिवेशन करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड होता क्या है। सपोज आई एम ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस पोजिशन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। आई एम ड्रॉपिंग दिस बॉल फ्रॉम दिस पोजिशन। नाउ द बॉल विल कम डाउन, ठीक है, वन सेकेंड में बॉल यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टू सेकेंड्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थ्री सेकेंड्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फोर सेकेंड्स में ये बॉल ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते जाओगे, nth सेकेंड में ये बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सपोज यहाँ तक, तो यहाँ पे बॉल कब आएगा? व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स। यहाँ पे कब आएगा? व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यहाँ पे कब आएगा? व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। इस पोजीशन पे बॉल कब आएगा? व्हेन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। एंड इसी तरह आप इस बॉल को नीचे तक ले जाओगे और यहाँ पर जब बॉल आया तो हम मान लेते हैं ये हमारा nth सेकेंड है, ठीक है, दिस इज़ आवर t इज इक्वल टू nth सेकेंड। अभी nth सेकेंड रहने देते हैं, अभी सिर्फ हम समझते हैं 4 सेकेंड्स तक, यहाँ तक समझते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। nth सेकेंड का मतलब आप समझ जाओगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड्स, तो ये आपका कंप्लीट डिस्टेंस, ऊपर से नीचे का कंप्लीट डिस्टेंस, ये कह रहा है displacement in 4 seconds, okay. Now, if I ask you what is the displacement in 3 seconds, तो आपको दिख रहा है ये displacement from here to here is the displacement in 3 seconds, okay. Now, displacement in 4 seconds and displacement in 3 seconds. Displacement in 4 seconds is this displacement and displacement in 3 seconds is this displacement. Now, what is the displacement in 4th second? Displacement in 4th second. Displacement in 4th seconds. Now, this is very important. Displacement in 4 seconds and displacement in 4th second. 4th second आपका ये second है, that means 3 और 4 के बीच 4th second में object ने सिर्फ इतना displacement cover किया, देखो in 4th second. Similarly in 3rd second object ने सिर्फ इतना displacement cover किया, similarly in 2nd second displacement इतना cover हुआ है, तो 4th second का मतलब है 3 से 4 के बीच object ने कितना distance travel किया, तो displacement in 4th second क्या होगा? ये part होगा displacement in 4th second, this one. This part is displacement covered by this ball in 4th second. 4th second and 4 seconds. इस बात को आपको समझना है. 4 seconds का meaning है यहाँ से यहाँ तक का displacement. And what is the meaning of 4th second? 4th second means this part. This part. This is the 4th second. Displacement in 4th seconds. Clear है? Now, let us derive this now. What is the displacement in 4th seconds? Displacement in 4th seconds. Let me write it as displacement in 4th second is equal to displacement in 4 seconds minus displacement in 3 seconds.
इस पूरे डिस्प्लेसमेंट से हम इस डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बचेगा हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सिमिलरली n सेकेंड्स का निकालोगे इसी इक्वेशन को बेस बनाकर, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। देखो ये 4 सेकेंड्स था, फोर्थ सेकेंड का जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो 4 सेकेंड्स को 3 सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट से माइनस कर रहे थे, मतलब 4 से 1 कम माइनस हो रहा था। उसी तरह n से 1 कम n माइनस 1 डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स से डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स को हम माइनस करने वाले हैं, ठीक है ना? तो अगर आप ये समझ गए तो ये भी आप समझ जाओगे। आइए निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का हमारा एक्सप्रेशन क्या निकलने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मीन द एक्सेलरेशन इन दिस इंटायर मोशन इज यूनिफॉर्म। व्हेन द एक्सेलरेशन is uniform, as you can see over here the acceleration is uniform here, the acceleration is constant, that is a is equal to 9.8 meter per second square, which is acceleration due to gravity in downward direction। हमेशा लग रहा है इस बॉल पे, बॉल कहीं किसी पोजिशन पे हो, इस पोजिशन पे भी इतना ही एक्सेलरेशन, इस पोजिशन पे भी इतना ही एक्सेलरेशन, इस पोजिशन पे भी इतना एक्सेलरेशन, और इस पोजिशन पे भी बॉल के पास एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 40 नहीं देखा है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का, तो वो एक बार जाकर उन लेक्चर्स को देख लो, तब आपको ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो होता है क्या है, ठीक है? तो इन केस ऑफ, प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज गिवन बाय, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड इज गिवन एज displacement in nth second equals to displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 seconds। यहाँ पे आप time ले रहे हो n seconds और यहाँ पे time ले रहे हो n minus 1 seconds, ठीक है? उसके नीचे लिखिएगा let initial velocity of the object be u, u is your initial velocity, the velocity with which the object is being dropped from a certain height, initial velocity object ka hai u, acceleration kyunki constant hai to acceleration hum maan lete hain, because this acceleration is downward direction, velocity is also in downward direction, to hum dono ko positive maan lete hain, hum downward direction ko by convention downward ko maan lete hain positive, आप negative भी मान लेते हो, मान सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जो कन्वेंशन अच्छा लगे वो कन्वेंशन आप यहाँ पे मान सकते हो। तो एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ मान लेते इस एक्सेलरेशन को a, ओके। नाउ टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स में टाइम टेकन n है एंड डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स में टाइम टेकन n माइनस 1 है। नाउ लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन, इतने सारे चीज़ों को आपने कॉपी में लिखोगे डेरिवेशन से पहले। नाउ लेट अस स्टार्ट, नाउ व्हाट इज द displacement in n seconds, will be using second equation of motion. So let us use the second equation of motion, let us find out displacement in n seconds first of all, that is ut plus half at square. So second equation of motion is this, s equals to ut plus half at square. Now in this case we are finding the displacement in n seconds, हमारे पास time है n seconds, हम n seconds के लिए displacement find कर रहे हैं, तो time के place में हम replace करेंगे n से, time को हम replace कर देंगे n से, time is n, that is un plus half a n square, एंड नाउ यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है? ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड हम देखेंगे ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इनवैलिड हो जाएगा ये फॉर्मूला, ओके। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स, दैट इज u, टाइम है n माइनस 1, तो टाइम इज n माइनस 1 प्लस हाफ
टाइम के प्लेस पे एन माइनस वन, दिस इज एन माइनस वन होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. लेट अस सपोज दिस इक्वेशन इज टू, दिस इक्वेशन इज थ्री एंड दिस इक्वेशन इज वन. पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन. नाउ द वैल्यू फॉर एस एन इज यू एन प्लस हाफ एन स्क्वेयर. सो लेट अस पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. डिस्प्लेसमेंट इन एनथ सेकेंड दैट इज इक्वल टू एस एन इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर. दिस इज एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज दिस वन. एस एन माइनस वन इज यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वेयर. ओके, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वेयर. दैट इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन, यू इंटू एन इज यू एन माइनस, सॉरी यू इंटू एन इज यू एन, यू इंटू माइनस वन इज माइनस यू प्लस हाफ ए इंटू ए एन माइनस वन होल स्क्वायर इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, यू एन, यू इंटू एन इज यू एन, माइनस वन इंटू यू इज माइनस यू, हाफ इंटू ए, हाफ इंटू ए एन माइनस वन होल स्क्वायर विल ब्रेक दिस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू इंटू ए इंटू बी. ओके, नाउ शैल आई रब दिस, कॉपी कर लो इतना. आफ्टर दिस ओके आई एम रबिंग दैट. ओके आई एम रबिंग दिस वन. Now after this what we'll do, we'll simply solve this equation. We'll simply try to simplify this equation. Displacement in nth second is equal to un plus half a n square minus this is minus of un minus un minus of minus is plus u. ठीक है, this is minus of half into a n square plus 1 minus 2n. This is u n and minus u n cancel ho gaya. Yahan se bacha half, yahan bacha a n square, idhar dekho plus u minus, multiply karte hain ise, half a n square minus 1 by 2a into 1 is 1 by 2a minus half into this. टू टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस एन. ये वैल्यू आएगा देखिए, है ना. नाउ यहाँ से देखो हाफ एन स्क्वायर और प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर कैंसिल हो गया. यहाँ से आपके पास बचा यू प्लस एन, सॉरी दिस विल बी हाफ इंटू टू एन दैट इज ए इंटू एन, दिस इज ए एन, सॉरी दिस इज ए एन. So this is a n minus half a. Now let us take LCM of these two numbers. This is twice of a n minus a divided by 2. Now from here you'll get a by 2 as common and andar bachega a by 2 is common, andar bacha twice of n minus 1. And this is the expression for displacement in nth second. This is the expression. Displacement in nth second is given as u plus a by 2 whole into 2n minus 1. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से? ये एक्सप्रेशन आया इस इक्वेशन से. आपने इस इक्वेशन को पहले समझा. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट दी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले n सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, फिर n माइनस वन सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज एस एन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन. एंड दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. क्लियर है? ओके, नाउ देर इज अ कंडीशन, राइट ऑन द नोट. See here,
इफ योर इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स जीरो, इफ आवर इनिशियल वेलोसिटी बिकम जीरो एंड एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो है और एक्सेलरेशन हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट हर एक सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ऑब्जेक्ट, वो कुछ रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में आता है। देखिए निकालते हैं, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जीरो पुट करो यहाँ पे, डेट इज जीरो, ए बाई टू, टू एन माइनस वन, एक सेकेंड के लिए एन का वैल्यू वन, वन सेकेंड के लिए एन का वैल्यू वन, टू सेकेंड्स के लिए, सेकेंड्स के लिए एन का वैल्यू टू, फिर थर्ड सेकेंड के लिए एन का वैल्यू थ्री, फोर सेकेंड्स के लिए एन का वैल्यू फोर। इस तरह से जब आप निकालोगे तो देखो क्या आएगा, ए बाई टू, क्योंकि यू हमारा जीरो हो गया, ए बाई टू, सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड के लिए निकालते हैं, तो टू इंटू वन माइनस वन, ये वैल्यू क्या आया देखो, ए बाई टू, टू इंटू वन टू माइनस वन, दैट इज वन, सो ए बाई टू, दैट इज ए बाई टू, डिस्प्लेसमेंट इज ए बाई टू मीटर्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन द सेकेंड सेकेंड, दैट इज ए बाई टू, टू इंटू टू माइनस वन, दिस विल बी ए बाई टू इंटू टू टू जो फोर माइनस वन, दैट इज थ्री। सिमिलर डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड टू इंटू थ्री माइनस वन इक्वल्स टू ए बाई टू, टू थ्री जो सिक्स माइनस वन, दैट इज फाइव। सो इन दिस वे व्हेन यू गो ऑन कैलकुलेटिंग यू विल सी दैट द वैल्यूज ए बाई टू, ए बाई टू एंड ए बाई टू आर ऑल सेम। इफ यू ट्राई टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस वैल्यूज, दैट इज ए बाई टू इज टू ए बाई टू इंटू थ्री इज टू ए बाई टू इंटू फाइव इज टू, पहले वन फिर थ्री फिर फाइव, नेक्स्ट वैल्यू आएगा ए बाई टू इंटू सेवन, नेक्स्ट वैल्यू आएगा ए बाई टू इंटू नाइन, इस तरह के वैल्यूज आपको मिलेंगे। तो देखो इन सब में कॉमन ए बाई टू, तो ए बाई टू सब में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रेशियो, वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन इज टू नाइन एंड सो ऑन। सो व्हेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एंड द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन ईच सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन ईच सेकेंड विल बी इन द रेशियो वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन इज टू नाइन। स्टूड, यहाँ तक समझ आया, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो एंड एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, जब ये दोनों कंडीशन आपके पास है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन ईच सेकेंड, इन द फर्स्ट सेकेंड इट विल बी वन, इन द सेकेंड सेकेंड इट विल बी थ्री, इन द थर्ड सेकेंड इट विल बी फाइव, इन द फोर्थ सेकेंड इट विल बी सेवन, सो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ईच सेकेंड विल बी वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन इज टू नाइन। सपोज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फाइव मीटर्स इन द फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने फाइव मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दूसरे सेकेंड में कितना करेगा, फाइव इंटू थ्री 15, तीसरे सेकंड में कितना करेगा, 5 इंटू फाइव दैट इज 25, फिर आगे वाले सेकंड्स में कितना करेगा, 5 सेवन आर 35, तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, नॉट दिस इज इन मीटर्स, ओके, दिस इज इन मीटर्स, यू हैव टू लर्न दिस, इस चीज़ को आप याद रखना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, दैट इज 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 7 इज टू 9, इन केस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। नाउ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकेंड पे। एज यू कैन सी बिलो द स्क्रीन यू हैव अ क्वेश्चन, ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल्स बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड्स। सो वी आर गिवेन between 4th and 5th seconds we have to find the distance traveled or displacement. In case of straight line the distance is equal to displacement, so this yahan pe sirf aur sirf discuss kar rahe hain straight line motion ko, to distance traveled will be equal to displacement traveled, so this question is same. Obtain a relation for the displacement traveled or distance traveled by an object moving with a uniform acceleration in that intervals between 4th second and 5th second. Now we have displacement in nth second, we have u plus a by 2 into n minus 1. Now there are two ways of solving this problem. First way is using the direct method, that is you're writing the equation, that is Sn, the displacement in nth second is u plus a by 2 n 2n minus 1, sorry, 2n minus 1. First method is this, and the second method is, first you will calculate displacement travel in 5 seconds, then you will calculate displacement travel in 4 seconds, and then displacement travel in the 5th second you will
जस्ट सब्ट्रैक्ट एस फाइव माइनस एस फोर। देर आर टू मेथड, दो मेथड्स हैं, हम दो मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, बोल रहा है फोर्थ से फाइव सेकेंड्स के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर चुका है वो आप निकालिए। तो सपोज़ ये t इज़ इक्वल टू वन सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, t इज़ इक्वल टू टू सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, t इज़ इक्वल टू थ्री सेकेंड्स में यहाँ पे, t इज़ इक्वल टू फोर सेकेंड्स में यहाँ पे, और t इज़ इक्वल टू फाइव सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। तो आपको बताना है t इज़ इक्वल टू फोर सेकेंड्स एंड t इज़ इक्वल टू फिफ्थ सेकेंड के बीच, ये इन द इंटरवल्स बिटवीन फोर्थ सेकेंड एंड फिफ्थ सेकेंड, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऑब्जेक्ट ने। तो सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फाइव सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फोर सेकेंड्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड आप निकाल सकते हो, यही वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, यू प्लस एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, ओके, सो ए डिवाइडेड बाई टू, वी आर अज्यूमिंग दैट हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू है और एक्सेलरेशन ए है, और टाइम हमारे पास है फाइव फिफ्थ सेकेंड, बिकॉज फिफ्थ सेकेंड का ही निकालना है, बिकॉज तो टाइम हमारा है फाइव, टू इंटू फाइव माइनस वन, सो दिस विल बी यू प्लस ए बाई टू, टेन माइनस वन दैट इज नाइन, विच इज़ इक्वल टू यू प्लस नाइन ए डिवाइडेड बाई टू। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इस प्रोसेस से भी निकालोगे तो भी वैल्यू यही आने वाला है, ठीक है, निकाल कर देख लेते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट फाइव सेकेंड्स निकालेंगे, यू टी, टी इज़ फाइव प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए इंटू टी स्क्वायर इज फाइव, फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव, माइनस यू टी, टी इज़ फोर, यू इंटू फोर प्लस हाफ ए इंटू फोर, फोर ज़ार सिक्सटीन, ओके। नाउ फाइव यू प्लस ट्वेंटी फाइव ए बाई टू माइनस फोर यू, माइनस फोर यू माइनस प्लस माइनस टू एट ज़ार सिक्सटीन, दैट इज़ एट ए, 8a. Now say this. 5u minus 4u, that is u, plus 25a by 2 minus 8a. So this is u plus LCM le lenge, 25a minus 8, 2s are 16a divided by 2. And this will be u plus 25 minus 16, that is your 9 by 2 into a. देखो सेम आंसर आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज u प्लस 9 बाई 9 ए बाई 2, u प्लस 9 ए बाई 2. चाहे आप इस प्रोसेस से निकालो, चाहे आप इस प्रोसेस से निकालो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट आना चाहिए किस तरह आप निकाल रहे हो। आप डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का एक्सप्रेशन नहीं भी जानते हो तब भी आप निकाल सकते हो इस तरह से। देखो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का एक्सप्रेशन यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट इन फाइव सेकेंड्स निकाल रहे हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट इन फोर सेकेंड्स निकाल रहे हैं और उसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया है लेक्चर नंबर 13 में डायरेक्टली इस मेथड से, और आज मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ इस मेथड से। तो दोनों मेथड्स आपको समझ में आना चाहिए। वहाँ पे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड नहीं पढ़े थे, फिर भी हम वहाँ पर बना चुके थे ये चीज़। क्योंकि देखो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स कैसे निकालना है, इसलिए ये आप बना सकते हो बिना ये जाने। अगर आप ये जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो अब ये अप्रोच यूज़ करो, और जानते हो तो और अच्छी बात है, इस अप्रोच को यूज़ करो, डायरेक्टली आंसर आएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों अप्रोचेस से आपको आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A particle is dropped from a height of 50 meters. Now the height is given over here. A particle is dropped from a height of 50 meters. Height of 50 meters. Find the distance traveled in third second. You have to find what is the distance traveled in the third second. Third second means suppose 2 seconds तक ये object ने ये distance travel किया और third second में object यहाँ तक आ गया, 3 seconds में object यहाँ तक आ गया, third second में आपको displacement निकालना है तो आपको ये value निकालना है, 2 seconds और 3 seconds के बीच का value निकालना है। So displacement in nth second is given as u plus a by 2n minus 1. This is the displacement traveled in nth second. Now we have to calculate the displacement traveled in third second. So let us assume what are the things given. A particle is dropped. The particle is dropped from here. Dropped means initial velocity is 0. Acceleration will be 10 meter per second square in downward direction, taking downward direction as a positive. So third second mein aapko nikalna, displacement is given 50 meters. Now let us calculate. So now, displacement in third second
इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो प्लस ए इज 10 बाई टू, टू इन टू, एन का वैल्यू यहाँ पे देखो 3 है, 3 माइनस 1, सो दिस विल बी 5, 2 5 इज 10 इन टू 3 टू 6 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज 5, सो 5 इंटू 5 इज 25 मीटर्स। देखो यहाँ पे हमने 50 मीटर्स कहीं भी यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। तो थर्ड सेकेंड के लिए मतलब थर्ड सेकेंड मतलब दो और तीन सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, वो निकालना है। तो हम सिंपली यहाँ एन का वैल्यू 3 यूज़ करेंगे, और क्योंकि यहाँ गिवन है दैट ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, तो हम डाउनवर्ड कन्वेंशन को पॉजिटिव लेकर बना रहे हैं। डाउनवर्ड जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लस 10, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आ गया, 25 मीटर्स इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट इनिशियल स्पीड 17 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्ट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। लेट अस विजुअलाइज दिस प्रॉब्लम। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 17 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्ट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। रिटार्ट्स मीन्स इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, if the particle is moving in this direction, the acceleration is just in the opposite direction, that is acceleration given as 2 meter per second square. Object ka velocity us direction mein aur ye retard kar raha hai opposite direction mein. Find the displacement covered by the particle in 9th second of motion. We have to find how much distance does the particle travel in the 9th second. 9th second means 8 or 9 seconds ke beech ka distance aapko find karna, displacement find karna hai kitna ye travel kar chuka hai. Okay, now यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखो बिकॉज ये रिटार्ड हो रहा है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्ड मीन्स एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ये कवर करके स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है 17 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी घटते 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 फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, और क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम सबसे पहले यहाँ टाइम फाइंड कर लेते हैं, ये वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है। ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 17 प्लस एक्सेलरेशन नेगेटिव है बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस 2 इंटू टी। लेट अस फाइंड द टाइम, दिस इज 0 इक्वल्स टू 17 माइनस 2t, और दिस इज 2t इज इक्वल टू 17 एंड t इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जर 16, 2 5 जर 10, टाइम इज इक्वल टू 8.5 सेकेंड्स। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा तो टाइम कितना था, 8.5 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखो क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टॉप होने के बाद 9 सेकेंड, जब ये ऑब्जेक्ट वापस मूव करना चाहेगा तब तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जीरो, तो ऑब्जेक्ट अब वापस पीछे की तरफ मूव करेगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट वॉज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 17 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इसके जस्ट ऑपोजिट, यहाँ से एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 आकर रेस्ट पर आ गया और एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा है, रेस्ट पर आने के बाद अभी भी एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन 9 सेकेंड तक लगा है, तो एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है, तो अब ये ऑब्जेक्ट पीछे जाने लगेगा तो हमें फाइन करना है 9th सेकेंड में। तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं दैट जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा तो ये ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स पर यहाँ तक पहुँचा, तो ऑब्जेक्ट ने ये डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। सो डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1। नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना, ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था अपना जर्नी 17 मीटर पर सेकेंड से, तो 17 प्लस एक्सेलरेशन है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 इंटू 9 माइनस 1, बिकॉज 9th सेकेंड में हम निकाल रहे थे 2 इंटू एन के प्लेस पे 9, नाउ दिस इज 17, 2 टू कैंसिल, ये आ गया प्लस माइनस माइनस ऑफ 18 माइनस 1। नाउ यहाँ से ध्यान से देखो 17 माइनस 1 इज 17 जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट जीरो ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो। कैसे हुआ ये,
ये कैसे हुआ? ऑब्जेक्ट 8.5 सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, वापस वापस ट्रेवल करके 9 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। अब इस बात को समझो, 9 सेकंड का मतलब होता है 8 और 9 सेकंड्स के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का, उसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड। तो 8 सेकंड्स और 9 सेकंड्स के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो। मतलब इसका क्या हुआ? दैट देखो, ये तो 8.5 है, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है 8 सेकंड्स पे यहाँ पे हो सकता है 8 सेकंड्स पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो। अब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम करके वापस इसी पोजीशन पे आ गया। तो देखो, ये 8 टाइम इज इक्वल टू 8 सेकंड्स और यहाँ टी इज इक्वल टू 9 सेकंड्स, तो 8 सेकंड्स और 9 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट उसी पोजिशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहाँ पे यही थोड़ा सा कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होगा तो आप इस बात को समझ पाओगे, और अगर बहुत ही कन्फ्यूजन वाला आपका कंसेप्ट है तो फिर आप ये नहीं समझ पाओगे। बात क्या हो रही है, यहाँ से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया, जीरो हुआ, फिर वापस आया, उसी लाइन पे वापस आ रहा है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट पहुँचा था तो ये 8.5 सेकंड्स टाइम लिया था यहाँ तक पहुँचने में, इसको लगा था 8.5 सेकंड्स का टाइम, तो 8 सेकंड्स में लगभग यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा 8 सेकंड्स में। अब क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट जीरो पे, वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी ऑब्जेक्ट अब पीछे की तरफ मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का था 17 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ऑब्जेक्ट के पास 8th और 9 सेकेंड्स के बीच ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो वापस जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट फिर से उसी पोजीशन पे आ गया वापस घूमकर। तो देखो, इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हो गया जीरो। सो दिस वेयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो लेट मी नो, और नहीं समझ आया तो फिर से मैं इसका एक और लेक्चर बनाऊंगा और उसमें कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे जो बेसिक का आपका कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। तो ये इतने दो तीन क्वेश्चन थे, आई थिंक दिस क्वेश्चन आर एनफ। अब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन। इसका जो मेन जो कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए वो है आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। सपोज डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकेंड निकालना है तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड्स निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स निकालेंगे और दोनों को सबट्रैक कर देंगे, ठीक है। वो काम आप सिंपली कर सकते हो, अगर डायरेक्टली बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले से बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।